नमस्कार, एवी न्यूज उड़ीसा में आपका स्वागत है। वीडियो में मेरे पीछे कुत्ता बैठा हुआ है, इस वीडियो में इसलिए आपको दिखाया कि आजकल हर मोहल्ले में देखेंगे तो आवारा कुत्ता घूम रहा है। इन आवारा कुत्ताओं का शिकार छोटे बच्चे होते हैं। उसी तरह से आज एक खबर आई है, कालाहांडी जिला बहाल गाँव से एक खबर आई है जहाँ एक आवारा कुत्ता 10 महीने के छोटे बच्चे को घर के अंदर से खींच रहा है। छोटा बच्चा अपने घर में अकेले खेल रहा था, माँ शायद कहीं काम करती होगी, अकेला पाके 10 महीने का छोटा बच्चा सावे रेंगना सीखा होगा। एक आवारा कुत्ते ने मौका पर देखते ही घर के अंदर घुस गया, बच्चे को यहाँ पकड़कर बाहर खींच रहा है। उसके लिए शिकार था, खाने के लिए बच्चे को शिकार किया। बच्चा बहुत बुरी तरह से जख्मी है, माँ चिल्लाई, मोहल्ले वाले दौड़ाए, जब बच्चे को छोड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिकित्सा अगर अच्छी तरह से ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा रेबीज बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। रेबीज बीमारी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है, कुत्तों से ही रेबीज फैलता है। अगर सही वक्त में अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो 10 महीने का छोटा बच्चा है, शारीरिक तौर पर वैसे ही वो कमजोर होगा और उसको कुत्ते ने बहुत जख्म दिया है। ज़्यादातर पूरी तरह से काट कर जो तस्वीर आप देख भी नहीं पाएंगे। सावधानी बरती है, सावधान रहिए। आप सावधान रहेंगे तभी आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। घर के सामने खाना देना कुत्तों को बंद कीजिए। खाना के लालच में एक कुत्ता आता है, एक कुत्ते को आप प्यार से खाना खिलाते हैं, उसी खाने के लालच में कुत्ते आना शुरू हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 कुत्तों की संख्या आपके मोहल्ले में बढ़ती है। जब कुत्तों की संख्या आपके मोहल्ले में बढ़ेगी तो फिर इस तरह की घटनाएँ बढ़ेंगी। इसकी जिम्मेदारी को समझिए, ऐसी घटना को रोकिए, खुद सावधान।